ये वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है। मैं और मेरे भैया 7th क्लास में थे जब हमारा फर्स्ट टाइम नाम न्यूज़पेपर में आया था हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और ये कोई साइंस कंपटीशन या मैथ ओलंपियाड नहीं था, एक बेसिक ड्राइंग कंपटीशन था जो कि बाल भवन द्वारा ना ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके बाद में मैंने बहुत बारी अपने स्कूल को और यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया है सेम साइंस और ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में। सो इसी ड्यूरेशन में एक पेरेंट्स आकर के हमारे ड्राइंग टीचर से ये पूछता है कि मैं अपने बच्चों को ड्राइंग क्यों सिखाऊं, इससे तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ही होगा। अगर आप पेरेंट्स हैं और आप भी ऐसा सोचते हैं तो हमें इस चीज़ को बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। नर्सरी क्लास में हमें पोएम सिखाई जाती है, क्यों? हम बड़े होकर के तो जिंदगी भर पोएम नहीं गाते रहते। हमें इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा और स्टोरी सिखाई जाती है, क्यों? बड़े होकर के तो हर कोई स्क्रिप्ट राइटिंग का काम नहीं करता है। फर्स्ट सेकेंड क्लास में सिखाई जाने वाली बेसिक ओरिगैमी एस्ट्रोनॉमी के बहुत सारे कंसेप्ट में हेल्प कर देती है। स्कूल टाइम में करवाई जाने वाली हर एक्टिविटी हमारे ब्रेन को शार्प करने में और हमारी विजुअलाइजेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। एवरीथिंग विच यू लुक अराउंड, आइदर इट्स अ बिल्डिंग, अ कार, एन एरोप्लेन, एन ट्रेन, एन इंजन, वट एवर, इट वॉज ड्रोन बाय समवन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। जब कोई भी लैंग्वेज डिस्कवर वगैरह नहीं होती तो स्टार्टिंग में ह्यूमन बीइंग सिंबल यानी छोटी ड्राइंग लेवल से ही काम चलाता था। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट और समथिंग लाइक दैट, बट अगर आपको बेसिक ड्राइंग के कंसेप्ट आते हैं तो मतलब आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं प्रोफेशनल लेवल पर अपनी बात करूँ तो रिसर्च के साथ साथ मैं अपने ग्रुप के लिए लोगो और साइंटिफिक कवर पेज भी डिज़ाइन करती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने बच्चे के स्कूल में जाएं तो केवल साइंस या मैथ टीचर से ही नहीं बल्कि क्लास के सभी टीचर से बात करें, इनफैक्ट स्टाफ मेंबर से भी बात करें, ताकि आप अपने बच्चे का बिहेवियर जान सके और उसे डिसिप्लिन में रख सके। और इस चीज को मैं पेरेंट कंट्रोलिंग बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि यही एक चीज है जो कि हमें वेस्टर्न कंट्री से डिफरेंट बनाती है। एज अ पेरेंट्स हमारा बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे की मेंटल हेल्थ को डेवलप करने के लिए। ये भी नोटिस किया होगा कि एक इंसान के बचपन की लाइफ पूरे लाइफ टाइम उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में, ताकि बचपन में उनको एक अच्छे पेरेंटिंग, अच्छी स्कूल लाइफ और अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, ताकि वो अपने लाइफ लॉन्ग एक सही मेंटालिटी और स्टेबल मेंटालिटी के साथ में जी सकें।